चलिए चलते हैं हम कोल्ड के अंदर और आपको लाइव निकासी की वीडियो दिखाता हूँ। तो साथियों अपना सपोर्ट अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखो और हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंदर देखते हैं कि क्या रेट में आलू बेच रहा है, कहाँ के लिए निकासी हो रही है, कौन से आलू की निकासी हो रही है, सारी डिटेल वीडियो के साथ में। ये देख सकते हो आप लोग कोल्ड का व्यू। तो साथियों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यही श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर जीटी रोड निगम मंडी छेबरा मुख का नौ कार्यालय, ये रहा अंदर घुसने का गेट। तो चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो साथियों इस समय हम छेबरा मुख के श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर में मौजूद हैं और आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आलू की निकासी है वो प्रारंभ हो चुकी है। और ये जो निकासी है कब से प्रारंभ हुई है और कहाँ के लिए आलू की निकासी हो रही है और कौन से आलू की निकासी हो रही है ये सब जानेंगे यहाँ के कोल्ड के जो मैनेजर सर जी हैं उनसे। तब तक आप लोगों को यहाँ से बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखा देते हैं कि यहाँ पर कौन सा आलू निकाला जा रहा है और यहाँ के स्टेटस क्या है। तो आप लोग आपके अपने ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना और अपने सवाल और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। तो चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं कोल्ड स्टोर का स्टेटस क्या चल रहा है। तो साथियों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस समय जो श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर जो है उसमें से आलू की निकासी प्रारंभ हो चुकी है और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो शायद कंचन सिंदूरी आलू की जो कटाई चालू है और उसको पैकिंग किया जाएगा। कहाँ के लिए ये जाएगा माल और कितने रुपए में बिचा है आपको अभी यहाँ के जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे जानकारी दिलवाते हैं। हमारे साथ श्री कप्तान सिंह कोल्ड स्टोर के भैया जी हैं। भैया आप इस कोल्ड में क्या करते हैं? इस कोल्ड में हम कैशियर पद पर। अच्छा, आप कैशियर पद पे काम करते हैं। मैं अभी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कोल्ड निकाल जो आलू की निकासी है वो शुरू हो गई है, तो ये कब से शुरू हुई है? लगभग 5-6 दिन हो गए तब से निकासी चल रही है। और कौन कौन सा आलू निकाला जा चुका है और किस रेट में निकाला जा चुका है इसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। इसमें सफ़ेद निकला है और लाल कंचन। सफ़ेद आलू निकल चुका है, क्या रेट में? 350 रुपये। 350 रुपये। और भाड़ा अलग होगा, उसमें भाड़ा प्लस करना होगा ना। इस साल भाड़ा कितना रखा गया? 117 रुपये। इससे पहले कितने रुपए थे? 111 रुपये। क्यूआर लगभग कितने रुपए बढ़ा दिए गए? 6 रुपये बढ़ा दिए गए इस साल। जैसा कि सब लोग सोच पा रहे थे कि भाड़ा ज़्यादा कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 5-6 रुपये का अंतर है केवल। और ये हम जानना चाह रहे हैं कि जो इसमें जो सुंदरी आलू भी निकल रहा है ये क्या रेट में बिछा है? 460 रुपये प्रति कट्टा और भाड़ा प्लस करना होगा। तो इसमें क्या है कि जो आलू जो निकाल रहे हैं वो व्यापारी भाई अपना निकाले या किसान ने निकाला है? व्यापारी निकाला है और किसान भी। अभी मतलब किसान भाइयों ने भी निकाल चुके हैं और व्यापारी भाई निकाल चुके हैं। अभी तक कितनी गाड़ी लोड हो चुकी है इस कोल्ड से? 4 गाड़ी हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कि निकासी का जो
रुख है इससे और स्पीड में होगा, थोड़ा और निकासी होगी, आगे स्पीड में होगा, अभी तो धीमा है लेकिन आगे स्पीड में। अच्छा, क्या लग रहा है कि आलू का जो भविष्य है वो कैसा रह सकता है? भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा लेकिन दिखता रहेगा। ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और ज़्यादा खराब भी नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है, दिखता रहेगा। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, आलू को अभी से निकाल के बेचना चाहिए, वेट करना चाहिए थोड़ा रेट बढ़ने तक का? किसान भाइयों को निकाल के बेचना चाहिए, अभी से थोड़ा थोड़ा करके निकाल के बेचते रहे तो ज़्यादा फायदा रहेगी ना। तो जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा कोल्ड स्टोर है, उसमें कई व्यापारी भाई और कई काश्तकार लोग अपना माल रखते हैं, अभी इसमें से केवल एक एक दिन में हमारे ख्याल से केवल एक, चाहे एक किसान करवा ले निकासी चाहे व्यापारी, अभी इतना ही हो रहा ना, इक्का दुक्का निकासी हो रही, कहने का मतलब ये है ना, स्पीड बिल्कुल नहीं है अभी। और आप लोग, और ये आलू कहाँ के लिए जा रहा है, कहाँ के लिए जा रहा है, इसमें कुछ पता है? कहाँ लिए जा रहे हैं लोग, नेपाल जा रहा है तो बिहार, नेपाल के लिए लाल आलू ज़्यादा जाता है, बिहार में जाता है लाल। तो हमारे साथ में एक जो आलू व्यापारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। अरे तो ये आलू व्यापारी सोनू भैया जी हैं और ये मंडी में आलू की ख़रीदारी करते हैं। तो भैया अभी ये जानना चाह रहे हैं, ये आलू निकासी हो रहा है क्या, आपका हो रहा है, आप ही का हो रहा है क्या, कितने कितने रुपये में हो रहा है? 450 रुपये पैकेट और भाड़ा प्लस अलग से होगा ना। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है आलू पे क्या? नहीं। ऐसे कैसे आप मतलब कुछ उनको उनके फायदे के लिए बताएं उनके विस्तार में उनको। अच्छा, उनको अपना अपना आलू थोड़ा थोड़ा करके बेच देना चाहिए अभी से ना। और अभी हम देख रहे हैं केवल एक एक लोग आलू कटवा रहे हैं, मतलब एक किसान है। और वैसे तो क्या होता था, नंबर लगता है कि भैया आज तुम कटवा लो आज हम कटवा लें, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और पिछले साल इस समय अच्छी तरीके से निकासी होना शुरू हो गई थी और इस साल बिल्कुल अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आलू बेचने में ही फायदा है, बेचने में फायदा, उनको बेच दें तो ज़्यादा फायदा रहेगा, और अगर नहीं बेचते तो क्या हो सकता है, आगे भविष्य खराब हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि भैया ने आप जो भी कहा आपने सुना, और आप अपने हिसाब से ही अपना काम करें, और आप लोग देख पा रहे हैं, आपको मेरा काम था जो कोल्ड स्टोर में निकासी हो रही है वो दिखाना, मैंने आपको निकासी का वीडियो दिखा चुका हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी दूसरे भाई को भी शेयर ज़रूर कर देना।